हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अफशास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ आपने इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। और आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो है चॉकलेटी गुलगुले, जिसमें नो शुगर नो गुड़ का इस्तेमाल है, यानी कि हम बिना चीनी और गुड़ के बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हम इसे बनाने वाले हैं आटे से। यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच आटा लिया है, साथ ही 1 पका हुआ केला लिया है जिसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। तो यहाँ मैंने फोर्क की मदद से इसको मैश कर लिया है। इसको बिल्कुल भी मिक्सी के जार में डालकर आप इस ग्राइंड मत करिए, छोटे छोटे चंक्स इसमें रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से स्पून या फोर्क की मदद से आप इसको बीट कर मैश कर सकते हैं सॉरी। और यहाँ पर मैंने 1 केले का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 1 से ज़्यादा यानी कि 2 केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ हनी, जो इसको भरपूर मिठास देने वाला है। तो मैंने 1 टेबल स्पून जितना हनी डाला है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट के हिसाब से, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इतना तो डल जाएगा। और यहाँ पर मैंने सूखा खोपरा कद्दूकस करके इसमें डाला है, ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देता है। साथ ही हम डाल रहे हैं चॉकलेटी गुलगुले के लिए कोको पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर डाला है। आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इससे ज़्यादा भी यानी कि 2 टेबल स्पून जितना भी कोको पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के लिए हमें मदद लेनी होगी थोड़ी सी दूध की। यहाँ पर मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसको दूध से घोल कर इसका बैटर बना रही हूँ। तो दूध में घोलने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, एक साथ ना डालें, तो आधा कप के करीब दूध इसमें शायद लग जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, इस तरह से आधा कप दूध लग गया। और ये छोटे छोटे चंक्स आपको जो दिख रहे हैं, ये हमारे जो केला हमने मैश करके डाला। तो मैं इस पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। यहाँ मैंने अखरोट थोड़े से क्रश करके और बादाम क्रश करके डाले हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो और भी चीज़ें डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, आप काजू डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो ये रिफाइंड ऑयल है, मैं इसमें रिफाइंड ऑयल में इसको डीप फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हैं, बट ये ऑथेंटिक टेस्ट डीप फ्राई से ही आता है गुलगुले में। तो मैं यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए, ये तेल गर्म हो गया और 1 छोटे चम्मच की मदद से मैं इसमें छोटे छोटे गुलगुले डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल भी जो ट्रेडिशनल गुलगुले होते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर हमने चॉकलेट फ्लेवर दिया है, साथ ही हमने इसमें कोई चीनी का या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही यम लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इंस्टेंट अगर आपके घर में किसी को मीठा खाने का मन करे आप, तो इस तरह से आप ये गुलगुले बना कर दे सकते हैं। और ये आप, मैंने यहाँ पर मैदे का यूज़ नहीं किया है, मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। तो आप भी आटे से ही इसे बनाइए, क्योंकि गुलगुले जो हैं आटे के ही बहुत अच्छे लगते हैं, मैदे की बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें आप चाहें तो सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खोपरा कद्दूकस करके डाला है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हिलाते उलट पलट करते हुए हम इसको फ्राई कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे कलर में आ गए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर से हमको इसको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन कलर होने पर ही हम इसे निकालेंगे। आप चाहें तो इसको मीडियम आंच पर या स्लो हीट पर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया है और ये बहुत ही देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो मुंह में पानी आने वाला है आपको भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वो मैंने स्लो हीट पर किए थे और अब ये मैं डबल फ्राई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने हल्के से कलर के निकाल लिए हैं फ्राई करके, एंड दोबारा से हम इसको डालेंगे। तो डबल फ्राई करने से ये थोड़े से और कड़क होंगे, ऊपर से स्लो हीट पर आप करिए इसको फ्राई, तो ऊपर की लेयर जो है बहुत अच्छी सी कड़क फ्राई हो जाएगी, तो और भी यम्मी लगते हैं ये। लेकिन अंदर से ये बहुत ही अच्छे सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो डबल फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप उसको कम गैस करके स्लो फ्लेम पर भी इसको डबल फ्राई करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी, पर मुझे यहाँ पर थोड़े कड़क अच्छे लगते हैं इसलिए मैं इसको डबल फ्राई कर रही हूँ।
तो ये मेरे घर में इंस्टेंट जब खाने का मन करता है तब हम ये बनाते हैं। तो फ्रेंड्स दोबारा इसको फ्राई कर सकते हैं, इसलिए ये मैं दोबारा से इसको मतलब डबल फ्राई कर रही हूँ। बनकर तैयार हो गए हैं गुलगुले, जो कि बिना चीनी और गुड़ के बनाए हैं हमने, लेकिन उतनी ही मिठास से भरे हैं और साथ में चॉकलेट का फ्लेवर इसमें आ रहा है, तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी यूनिक रेसिपी कैसी लगी है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही आप नई